brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जब ग्वालियर में अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद मितेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते ही पुलिस अधिकारी ने उनकी पीठ थपथपाकर बोला कि पैर सिर्फ गुरु और माता पिता के छूने चाहिए। दरअसल मितेंद्र सिंह आज भोपाल में शपथ लेने वाले हैं, वहीं वो अपना काफिला लेकर ग्वालियर से भोपाल रवाना हो रहे हैं। इस काफिले को लेकर जब पुलिस से एमपी तक ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने परमिशन ली थी या नहीं। वो मुझसे खुद मिलने आए थे, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। जब आप कोई आयोजन कर रहे हो तो उसकी परमिशन आपको लेना है। परमिशन ली थी या नहीं अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जब मितेंद्र सिंह से पूछा गया कि आप अपने काफिले के साथ भोपाल जा रहे हैं तो क्या इसकी परमिशन ली थी, तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने ऑनलाइन परमिशन ली थी भोपाल में। जब भोपाल से परमिशन हो गई थी तो मुझे ग्वालियर में जो रोकने की कोशिश की गई वो किस लिए की गई? उनको डर है कि इतनी बड़ी रैली कहाँ जा रही है। ये बदलाव की शुरुआत होती है तो रुकावट आती है, लेकिन राजीव जी बहुत अच्छे हैं, मैंने ऑनलाइन परमिशन ले रखी है। दरअसल भोपाल में आज मितेंद्र सिंह प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष की शपथ लेने जा रहे हैं। मितेंद्र सिंह के साथ लंबी गाड़ियों का काफिला भोपाल रवाना हो गया है। ग्वालियर में भी इस लंबे काफिले की परमिशन को लेकर पुलिस ने मितेंद्र सिंह को रोका था। फिलहाल मितेंद्र सिंह ने पार्टी ज्वाइन करते ही अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।